ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंपनी इज अवर अपेक्स। तो क्रिएट में जाके क्रिएट ले जाते हैं ऐसे, ये अपेक्स है, फिर आपका नाम आएगा टेन बैच नंबर, उसका एड्रेस कंपनी का, आ गया एड्रेस, स्टेट सिलेक्टेड, टेलीफोन नंबर, ये सब कुछ है आपको डालना है। उसके बाद मेंटेन अकाउंट्स फीचर्स में सिर्फ मेंटेन अकाउंट को यस करेंगे, बाकी सबको नो करेंगे ऐसे। सेटिंग होने के बाद फर्स्ट काम हमारा चेक करना है पीरियड सही है क्या, करंट पीरियड 1 अप्रैल 2023 इट इज गुड फॉर मी। रिसीट वाउचर में जाएंगे अभी, ये है रिसीट, ये कॉन्ट्रा पेमेंट रिसिप्ट, मैं जाऊंगा रिसिट वाउचर में। क्रेडिट में जो बिजनेस का ओनर है उसका अकाउंट क्रिएट करना होगा। मेरा ये है मिस्टर शरण, इसका अकाउंट बनेगा इधर, और उसके आगे कंपलसरी कैपिटल लिखना है टू अंडरस्टैंड ये कैपिटल अकाउंट है। इसलिए तो कैपिटल अकाउंट इसका अमाउंट है 223,900 ऐसे। डेबिट टू, इस बार कैश में डेबिट नहीं हो रहा है, उसने क्या किया जो बिजनेस का अकाउंट था बैंक महाराष्ट्र बैंक में उसमें डायरेक्ट पैसा डाल दिया। तो इधर डेबिट टू महाराष्ट्र बैंक आ जाएगा। डेबिट टू महाराष्ट्र बैंक, तो पैसा बिजनेस से बाहर से आ गया, फॉर बिजनेस फ्रॉम बिजनेस ओनर यू आर पुटिंग दैट इनटू बैंक अकाउंट इस तरह से। ये आपका फर्स्ट ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया इन दिस वे। सेकंड ट्रांजैक्शन अगेन क्रेडिट टू मिस्टर शरण कैपिटल 60,500 रुपीज एंटर करेंगे, डेबिट इस बार है कैश को, और नरेशन में आएगा उसका नरेशन, जो नरेशन क्या है मिस्टर शरण इंट्रोड्यूसेस कैश इन बिजनेस। टू डिपॉजिट कैश यू शुड गो टू कॉन्ट्रा वाउचर, क्रेडिट टू कैश आएगा इस बार, एंड वी हैव कैश 60,500 रुपीज इन आवर कैश अकाउंट, और इसमें से 25,500 रुपीज़ 25,500 डेबिट करेंगे एक्सिस बैंक में। इधर बनेगा एक्सिस बैंक अकाउंट अंडर बैंक अकाउंट्स, ये यही रहेगा, और ये आपका ट्रांजैक्शन हो गया कंप्लीट। तो जब बैंक टू बैंक ट्रांसफर होता है तो आपको कॉन्ट्रा वाउचर में यूज़ करना है। तो ये कॉन्ट्रा वाउचर में आ गया महाराष्ट्र बैंक, जिसमें ऑलरेडी 2,23,900 रुपीज़ है, इसमें से कुछ अमाउंट 15,000 रुपीज़ जा रहे दूसरे बैंक में, तो डेबिट होगा एक्सिस बैंक को। एक्सिस बैंक का अभी करंट बैलेंस हो गया 40,500। इस कॉन्ट्रा में क्रेडिट में आएगा एक्सिस बैंक, जिससे पैसा हम निकाल रहे हैं, एक्सिस बैंक में 40,500 रुपीस है, जिसमें से 10,200 रुपीस हम विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसलिए पहले आएगा एक्सिस बैंक, एंड डेबिट में कैश आएगा, जो पैसा आप विड्रॉ करोगे कैश अकाउंट में जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं विड्रॉ। हाँ, जाएगा कॉन्ट्रा वाउचर में। चलो नेक्स्ट एंट्री है कैश टू पेटी कैश। तो कॉन्ट्रा वाउचर क्रेडिट टू कैश अमाउंट कितना है 22,500
22,500 रुपीज़ हम पेट्टी कैश अकाउंट में डाल रहे हैं। तो अभी पेट्टी कैश अकाउंट तो नहीं है, क्रिएट करना पड़ेगा। ये पेट्टी कैश अकाउंट अंडर कैश इन हैंड, ये हो गया कैश ट्रांसफर या फंड ट्रांसफर। सबसे पहले जाना पड़ेगा हमें पेमेंट वाउचर में, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस है, हर महीने एक्सपेंस करना पड़ता है। एक्सपेंसेस में पहले आता है डेबिट, और एक्सपेंस हमारा होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल है ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसीलिए इधर डेबिट में आएगा एक्सपेंस का अकाउंट। फर्स्ट अकाउंट है सैलरी अकाउंट, तो ये है सैलरी अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंस ऐसे। फिर इसका अमाउंट कितना है वो उधर जाएगा, ये है 23,900, 23,900 एंटर कर दिया। अब आगे देखो, सिर्फ देखो, ये है ना डेबिट क्रेडिट आ गया। अब ये पैसा कहाँ से जा रहा है, महाराष्ट्र बैंक से। तो आप यहाँ पे महाराष्ट्र बैंक ऐसे ले सकते हो और फर्स्ट एंट्री कंप्लीट कर सकते हो। लेकिन बार बार चार पांच वाउचर करने से अच्छा है एक ही वाउचर में सारा कर दें। इसलिए मैं बैकस्पेस करके, ये देखो फिर से बैकस्पेस कर दिया, मैं इधर आ गया, ये जो डेबिट और क्रेडिट लिखते हैं उधर, फिर से एक बार मैंने इधर डेबिट कर दिया डी आर एंटर, और अगेन एक नया अकाउंट क्रिएट कर दिया एक्सपेंस का। तो सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट जाएंगे डेबिट में। तो ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये भी आ गया। इसका अमाउंट है 1930, 1930। फिर से डेबिट कर दिया, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस डेबिट में ही आते हैं। ऑलवेज रिमेंबर दिस, नॉमिनल अकाउंट होता है, रेंट है तो रेंट का भी लेजर बना दिया। अब ये रेंट कंसल्टेंसी कंपनी के लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा इस तरह से। तो ये रेंट कितना है 15,900 रुपीज़ डाल दिया। अगेन क्रेडिट का यहाँ पे डेबिट कर दिया। नेक्स्ट अकाउंट है वेजिस, वेजिस तो डायरेक्ट ही होते हैं, ये वेजिस अकाउंट बना दिया अंडर डायरेक्ट। इसका अमाउंट 30,400 है। अगेन जो क्रेडिट दिख रहा था उसको डेबिट कर दिया। इसका भी नेक्स्ट है कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड भी ट्रांसपोर्ट या फ्रेट, इसके अलग अलग नाम है, सब होते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। 2,300 इस तरह से अगेन डेबिट हो जाएगा। कैरिज आउटवर्ड इस तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इस बार, कैरिज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इसका अमाउंट कितना है 1,230, 1,230। अब लास्ट में जो क्रेडिट आ रहा है, अभी सारे एक्सपेंसेस हो गए, ऑल एक्सपेंसेस आर डेबिटेड, ये सारा पैसा जा रहा है महाराष्ट्र बैंक से। तो ये आपको महाराष्ट्र बैंक सेलेक्ट करना है और आपका ये ट्रांजेक्शन भी कम्प्लीट हो गया। ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आपको अगर ट्रायल बैलेंस में जाना है तो बाहर जाके भी जा सकते हैं। यहाँ पे गो टू का एक ऑप्शन है, गो टू ट्रायल बैलेंस, ये देखो डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में चले गए। अब इस बार ये लेजर वाइज बटन को क्लिक करो और फिर देखो ये सारा बैलेंस दिखाई देता है। एक बार आपके सामने ये ट्रायल बैलेंस आने के बाद आपको चेक करना है आंसर्स के साथ।